हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप शो के सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो सुबह सुबह पहले मैंने ये सब्जी काट रखी है, तोरी की, और प्याज काट रखा है। बिना टमाटर के तोरी की सब्जी बनाती हूँ मैं। उसके बाद देखिए, मैं चाय बना रही हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद, एक महीने बाद मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ। इवनिंग की तो बनती है, लेकिन मॉर्निंग की, और वो भी चीनी वाली चाय बना रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, एक टाइम शाम को। और देखिए, आज मैं चाय बना रही हूँ नेगी जी और अपने लिए। नेगी जी जा रखे थे दूध लेने के लिए। 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो पहले मैंने सब्जी काटी, उसके बाद चाय रख दी, और मैं आज बना रही हूँ मिट्टी के बर्तन में चाय। तो पहले तो इसमें ना उबाल आया ही नहीं, और जब आया तो इस तरह से आया, देखिए पूरा बिखर गया। कितनी कोशिश की मैंने कि ये बिखरे ना, लेकिन तब भी बिखर गया। और मैंने जैसे ही चाय बिखरी, तुरंत गैस को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद भी 1-1.5 मिनट तक देखिए गैस में ऐसे ही बॉईल आ रहा है। देखिए ऐसे लग रहा है, मिट्टी के बर्तन में जब भी आप कुछ बनाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हीट होता है और काफ़ी देर तक गर्म रहता है। मतलब ठंडा भी काफ़ी देर तक रहता है और गर्म भी काफ़ी देर तक रहता है। तो इसमें ना चाय जो बनी थी ना, बहुत टेस्टी बनी थी। मिट्टी की जो भीनी भीनी खुशबू है ना, वो आ रही थी, और इतनी टेस्टी लग रही थी ना। आधा आधा कप मैंने चाय बनाई, और ये देखिए काफ़ी देर तक, ये देखिए कैसे हो रही है, खौल रही है अभी भी। तो मैंने कहा ठंडा होने देती हूँ अच्छे से, उसके बाद पकड़ूंगी इसको, नहीं तो बहुत गर्म हो रहा था मिट्टी का बर्तन ये। और फिर मैंने इसको ना ये लोटे में निकाला। हमारे यहाँ तो इसे लोटा ही बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो छान के मैंने लोटे में निकाला, और फिर इससे मैंने कप में डाला है। और आप देखिए कितनी झागदार और कितनी टेस्टी लग रही है ना चाय देखने में ही। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मॉर्निंग की चाय पीने के लिए, और एंजॉय करिए हमारे साथ मॉर्निंग की चाय। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और अभी है 12:30 1 का टाइम हो रहा है, और ऋषि खा रहा है रोटी, जो कि सुबह मैंने प्लेन पराठे बनाए थे और तोरी की सब्जी बनाई थी। तो उसने तोरी की सब्जी के साथ एक ही रोटी खाई थी, उसे पसंद नहीं है, तो उसने क्या बोलते बनाना सेक पिया था, और अभी वो पीनट बटर के साथ रोटी खा रहा है। तो फिर मैंने कहा अब क्या ही मैं खाना बनाऊँ, क्योंकि मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है। तो थोड़ी देर में मैगी बनाऊंगी, अगर वो खाएगा बोलेगा तो ठीक है, नहीं तो शाम को जाई के साथ बना लूंगी उसके लिए। बहुत टाइम से मैगी का एक पैकेट पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीज़ें बहुत कम बनती है। आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। आप लोगों को तो पता ही है आजकल घर में काम हो रहा है, तो मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताती हूँ कि आज क्या क्या काम हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज ये वाला जो वॉशरूम का दरवाज़ा है वो लगा है। ये देखिए ये वाला लगवाया है हमने। पहले यहाँ पे प्लेन ब्लैक था, अब ये इस तरह का डिज़ाइन वाला है। और वॉशरूम भी हल्का हल्का मैंने अभी साफ़ किया है, अभी लाइट का काम रह गया है वहाँ, और प्लम्बर वगैरह का काम हो गया है, तो वो करना बाकी है। मैंने हल्का थोड़ा बहुत साफ़ किया है, देखिए ये देखिए नीचे थोड़ा सा साफ़ करना बाकी रह गया है। और यहाँ पे उन्होंने टाइल्स वगैरह की कटिंग करी थी, वाइट सीमेंट बनाई थी, तो ये इस तरह से हो रखा है। अभी इसको अच्छे से साफ करेंगे, और बाकी ये देखिए ऊपर अच्छे से साफ हो गया है। इस तरह से ये टोंटी वगैरह सब कुछ फिट हो गए हैं। और लाइट का ये वाला, ये देखिए ये डब्बा लगाना बाकी रह गया है। ये 5-6 दिन हो गया, आज 5-6 दिन से ये लाइट सिर्फ जल रही है, बंद होने का वो स्विच ही नहीं है। तो ये देखिए ये बाथरूम वैसे उस तरह से कम्प्लीट हो गया है, और इस पर दरवाज़ा ही लग गया है, तो बस थोड़ा सा क्लीन अप करना बाकी रह गया है। तो इस तरह का दरवाज़ा कैसे लग रहा है ये बताइएगा। तो फ्रेंड्स, पहले के जो दरवाजे हैं वो दोनों यहीं पे लगा रखे, एक ये है ब्राउन कलर का, एक है इसके पीछे ब्लैक कलर का। तो इनको दोनों को कोई ले जाएगा तो ठीक है, अच्छे हैं वैसे, कोई ख़राबी नहीं है इनमें। देखिए बिल्कुल नए हैं ये भी,
तो नेगी जी ने बोला जब सब कुछ नया करवा रहे हैं तो दरवाज़ा भी नया लगा लेते, इसलिए हमने दरवाज़ा नए लगवाए हैं। उसके बाद ये वाला दरवाज़ा देखिए फ्रेंड्स, ये वाला दरवाज़ा भी नया लगा है, बिल्कुल नया है, अभी लगा के गए हैं, मिस्त्री जी आए थे। तो ये वैसे वाले दरवाजे, फाइबर टाइप, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वैसे वाले दरवाजे हैं ये। और यहाँ भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया है, बस थोड़ा बहुत बचा है, और थोड़ा बहुत जो काम रह रखा है ना उसके बाद किया जाएगा, जो काम थोड़ा बहुत बच गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये सिंक वगैरह ये साफ किया था मैंने सुबह, बहुत गंदा, इसमें ना वो सीमेंट वगैरह डाल रखी थी उन लोगों ने, तो ये मैंने क्लीन किया है अच्छे से। अभी भी कुछ कुछ सामान रह रखा है मिस्त्री लोगों का, तो वो ले जाएंगे तब अच्छे से क्लीन होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है सुबह सुबह, मैं 1 घंटे तक इसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि ये सिर्फ यहीं से क्लीन नहीं किया है बल्कि यहाँ से भी क्लीन किया है। ये देखिए, यहाँ का ये सारा सामान निकाल के ये नीचे गत्ता बिछाया मैंने, और इसकी जो प्लाई है अंदर से पूरा अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन से साफ़ किया है। ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल काले हो गए थे, तो ये साफ़ किए हैं। और अंदर भी देखिए, यहाँ भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है, ये वाला भी साफ़ कर दिया है। बस थोड़ा बहुत जो ज़रूरत का सामान रहता है ना वो, और हमारा ब्रश वगैरह रहता है बस यहाँ पे, तो ये भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब इसमें पानी भी चालू हो गया है, देखिए अब हम इसमें हाथ वगैरह धो सकते हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम से बंद कर रखा था ये पानी। ये देखिए, तो जब से इसका पानी बंद हो रखा था ना, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी हाथ वगैरह धोने के लिए। तो ये वाला एरिया तो कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा बहुत कल मैंने यहाँ पाइप लेके आई थी, यहीं से मैंने पूरी धुलाई करी थी बाहर तक। ये चीज़ देखिए फ्रेंड्स, ये ना आम का अचार, कल जो निगी जी आम काट रहे थे ना, उसका अचार बन गया है। और ये अचार मैंने नहीं बनाया, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं अचार नहीं बना सकती आजकल, और ये जो आम है ना गलत ही टाइम पे आए, तो ये जो यहाँ पे मेरी फ्रेंड कम दीदी है वो बना के गई हैं। तो लाइफ में ना ऐसे दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे एक फ़ोन कॉल पर हमारा छोटा सा छोटा काम भी करके चले जाए। ऐसा नहीं है, वैसे मैं भी उनके लिए ऐसे ही हमेशा हाजिर रहती हूँ हर काम के लिए, और वो आए तो मुझे अच्छा लगा, बस मैंने एक ही बार बोला था और वो आ गए तो अच्छा लगा, और अचार डाल के चले गए वो। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अभी गर्म है, तो नेगी जी से शाम को डब्बे में भर देंगे, तब तक मैं रेशी को बोलूँगी ठंडा होने के बाद इसको ढक के रख दे। और देखिए किचन भी अच्छे से नीट क्लीन कर दिया उन्होंने, वैसे तो था साफ लेकिन फिर भी यहाँ अभी फिर मिस्त्री जी आए थे ना, धूल मिट्टी हो गई थी, तो ये देखिए हाल देखिए, ऋषि ने हमेशा की तरह फिर वैसे ही कर दिया है। तो चलिए कोई बात, तो फ्रेंड्स अभी ना 1 बजी होगी तब से, तो दीदी आए थे अचार डाल के चले गए हैं, अब ठंडा हो जाएगा तो हम डब्बे में भर लेंगे। तो मैंने दीदी को कल बोला था कि दीदी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और आम जो है ना ख़राब हो रहे हैं। ख़राब क्या हो रहे हैं, वो ना गलत टाइम पर तोड़े उन्होंने अचार के लिए ना, 1-2 महीने पहले तोड़ना चाहिए, तब कच्चे रहते हैं आम, लेकिन अभी हो गया है आम का पकने का टाइम, तो आम के पकने का टाइम हो गया, तो वो आम परसों लेके आए थे नेगी जी, और कल रात काटे थे नेगी जी से, कटवाए थे मैंने अचार के लिए, क्योंकि मैं अचार वाला आम छेड़ नहीं सकती थी, तो वो ना पूरा अंदर से पक गया, पीला हो गया, मतलब कट ही नहीं रहा था, कट रहा था तो छिकल अलग ही निकल जा रहा था, पूरा पीला था। हमने खाए, 1-2 आम खाए भी थे कल, तो मीठे हो रहे थे बिल्कुल। तो थोड़ा सा ही आमों का अचार डाला, बाकी जो थोड़े से आम बच गए थे थोड़ा मैंने दीदी को दे दिए थे, थोड़ा मैंने रखे हैं, अगर पक जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पक गए हैं। और आधा जो आधा आधा पके हैं ना, उनकी मैं सब्जी बना लूँगी। आम की सब्जी बहुत टेस्टी होती है, साबुत आम की, जो छोटे छोटे आम होते हैं ना, उन साबुत आमों की छिलके सब्जी बनाओ ना, जो हल्के से कच्चे हल्के से पके होते हैं, तो बहुत टेस्टी होते हैं। तो आज तो मैं बना नहीं पाऊँगी आम की सब्जी, क्योंकि आज है फ्राइडे, फ्राइडे को मैं खट्टा अवॉइड करती हूँ, तो कल बनाऊँगी मैं आम की सब्जी। और सच में ना लाइफ में ना अच्छे दोस्त, और मतलब अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, और क्या बोलते हैं, अच्छी सिस्टर होना बहुत ज़रूरी, अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि जो खून के रिश्ते होते हैं ना वही अपने होते हैं, कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे खास होते हैं लाइफ में, जो खून के रिश्तों से भी बढ़ के हमारा साथ देते हैं उस टाइम पे जब हमें ज़रूरत होती है। तो बस वही है, मैंने उन दीदी को भी 1 बार फ़ोन किया था, तो वो बस
आ गए हैं, मैंने उनको बताया था ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला था ठीक है मैं आ जाऊंगी, कल बोला था मैंने, तो वो आए और अभी अचार डाल के चले गए। तो बस अब नेगी जी को बोलूंगी कि उसको डब्बे में भर दीजिए, जब ठंडा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस गर्मी में ना खाने का भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी नहीं, तो रेसी ने तो रोटी खा ली और मेरा मन नहीं कर रहा है, तो बस आराम करूँगी। और अब और कपड़े रह रखे पहले मेरे थोड़े से धोने के लिए, वो धोऊंगी फिर आराम करूँगी, फिर जब रेसी बोलेगा तब अगर उसका मन करेगा तो शाम को चाय के टाइम पे मैगी बना के दे दूँगी उसे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ना 4:30-5 बजे का टाइम होगा, यहाँ पे मैंने मैगी बनाई थी, मैंने सोचा रेसी को भूख लग गई होगी, थोड़ी सी अपने लिए भी निकाली थी। और रेसी इसी तरह की मैगी खाता है, एकदम प्लेन वाली जिसमें टमाटर प्याज कुछ भी ना हो। तो मैगी बनाई थी, अपने लिए भी निकाली थी, और मुझे ना मैगी की खुशबू जो होती है ना सर में बैठती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने सोचा दिन से कुछ खाया नहीं था, थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन खाया नहीं गया। फिर मैंने कटोरी में रख दिया कि खेल के आएगा तो फिर खा लेगा ये। और बस उसके बाद ना रेसी चला गया था खेलने, और मैं ये देखिए वॉशरूम क्लीन करने लग गई थी, जो वाइट सीमेंट लगा हुआ था ना बस उसको मैं क्लीन करने लग गई थी बाहर। और नीचे देखिए काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, आपको लग रहा होगा ना सुबह के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा। और ये देखिए यहाँ भी मैं पूरी धुलाई कर रही हूँ, पानी लेके आई हूँ, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रही थी, सुबह भी दरवाज़ा लगाने वाले आए थे ना। और ये देखिए ये बाहर वाला भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और दीवार ये जो टाइल्स है ना इस पे भी जैसे ही टाइल्स कटिंग की धूल जैसे उड़ रखी थी ना, तो ये भी मैंने कपड़े से साफ़ की है। तो अब ये जो दोनों वॉशरूम है ना ये यूज़ करने के लिए रेडी हो गए हैं, दरवाज़ा वगैरह सब लग गए हैं। तो बस लाइट का काम रह रखा है थोड़ा सा वॉशरूम में, अंदर वाले में, बाहर वाले में तो सब ठीक है। तो बस उसके बाद मैंने ना वॉशरूम क्लीन करने के बाद बाहर की अच्छे से धुलाई कर दी थी, ये वाइपर से खींच लिया था पानी, और अपने लिए नहाने के लिए और नेगी जी के लिए और ऋषि के लिए पानी भर दिया था। उसके बाद मैं गई बाहर और पौधों में चारा मैंने पानी, पौधों में पानी चारने के बाद थोड़ा बहुत नीचे जो फर्श में किरकिर हो जाता है वो भी क्लीन किया, क्योंकि हमारा ना जो रोड है ना आगे घर के आगे वो मिट्टी मिट्टी सी है, तो जब भी हवा चलती है ना, आजकल दिन में हवा बहुत चल रही है, तो पूरी मिट्टी उड़ के अंदर आ जाती है, और अंदर आ जाती है ना तो फिर वही मिट्टी कमरों में चली जाती है, यहाँ से पूरा ओपन है तो इसलिए। और अभी भी देखिए हवा चल रही थी, तो मैंने पौधों में पानी चारा, और नीचे ना ज़मीन से मतलब इतनी गर्म हीट आ रही थी ना पानी डालने के बाद कि कुछ पूछिए मत। फिर मैंने ये पौधों में पानी अच्छे से डाल दिया, गुलाब देखिए कितने प्यारे प्यारे अच्छे से खिल रखे, छोटे छोटे से गुलाब हैं। तो पानी चारने के बाद ना ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना पेड़, ऐसा लग रहा है कि इन पे भी जान आ गई है। तो बस फ्रेंड्स आजकल ना सुबह शाम मेरा ये सफाई वाला काम ही रहता है, क्योंकि काम चल रहा है, और यहाँ पे मैं रेसी के लिए ये पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि वो आता है ना खेल के तो फिर बोलता है नहाने को, तो मैं बोलती हूँ थोड़ी देर इसमें वो बैठ जाता है तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स बस आज का ना काम यही था, और इतना ही ब्लॉग है, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स बाहर मैंने अच्छे से धुलाई वगैरह कर दी है, पौधों में पानी चार दिया है, रेसी का ये टब भर रही हूँ, और अंदर लेटरिन बाथरूम जो है टाइल्स लगी थी जो वो भी साफ़ कर दी है। तो बस अभी का ये ब्लॉग ना यहीं पर एंड करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।